नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट इन। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ होता है कि इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधे, डिफरेंट टाइप के पशु पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए देखा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ धूप बारिश सही मात्रा में होती है, साल भर सूर्य रहता है, जिससे बहुत सारे पेड़ पौधे उग पाते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ज़्यादा पेड़ पौधे होने की वजह से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। इसलिए आपको याद ही रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र होता है वो होता है ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन को हिंदी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद ही रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी। कि कावेरी रिवर के ऊपर कौन सा डैम बनाया गया है। तो आप देखेंगे कावेरी रिवर जो कि तमिलनाडु में बहती है उसके ऊपर मेट्रो डैम बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेट्रो डैम है ये 1934 में बनाया गया था और ये 1700 मीटर लंबा डैम है जो बनाया गया था जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे शासन कर रही थी, उस टाइम पे इसको बनाया गया था। तो आपको ध्यान ही रखना है 1934 में इसको बनाया गया था। तो कावेरी रिवर के ऊपर कौन सा डैम है, आप ध्यान रखेंगे मेट्रो डैम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका, टू विच ऑफ द फॉलोइंग अम्पायर्स डिड द रिवर तुंगभद्रा प्रोवाइड सस्टेनेंस। इसका मतलब है कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे कौन सा हमारे पास जो साम्राज्य है वो उसकी स्थापना हुई थी। तो आप देखेंगे कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो विजयनगर है उसको आपने पढ़ा होगा कि 1336 में दो भाइयों के द्वारा इसको बसाया गया था, उनका नाम था हरिहर और बुक्का। उन्होंने इस शहर को जीता था, इसलिए जीत के नाम पर उन्होंने इस शहर का नाम रखा था विजयनगर। तो आपको देखना है कि ये एक दक्षिण भारत का एक काफ़ी बड़ा साम्राज्य था जिसमें कई वंश रहे। आपने देखा होगा जैसे कि इसमें संगम वंश था, तुलुफ थे, सुलुफ थे, अरावीडू थे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे वंश रह चुके हैं। और आपको याद ही रखना है कि जो तुंगभद्रा नदी है, ठीक है, इसके किनारे किसकी स्थापना की गई थी, किस राज्य की, उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ दीज इज द पीर पंजाल रेंज इन द हिमालयन पार्ट। आप देखेंगे कि जो हिमालयन पार्ट है, ठीक है, हमारा जो हिमालय है उसमें जो पीर पंजाल रेंज है वो कौन से पार्ट में है। तो ये पार्ट है हमारा लेसर हिमालय। तो जैसा कि आपको पता है भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ हैं बहुत सारे, जिसकी तीन मेन श्रेणियाँ हैं, तीन रेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, फिर होता है लेसर हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं कॉमनली, और एक होता है शिवालिक। तो आपको ध्यान ही रखना है कि जो पीर पंजाल है वो हिमालय की लेसर हिमालय में आता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। तो पीर पंजाल कहाँ पे है, पीर पंजाल रेंजेस कहाँ पे है, आपको ध्यान रखना है लेसर हिमालय के अंदर है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द वॉल्केनिक ऑरिजन। इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो ज्वालामुखी के फटने की वजह से इनका ऑरिजन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी के उद्गार के कारण जब लावा बाहर आता है और ठंडा होकर जम जाता है तो वो अवसादी चट्टान बन जाता है, और अगर ज्वालामुखी समुद्र में आते हैं तो इनसे एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब लावा बाहर आएगा तो ठंडा होके वो यहाँ पे एक टाइप की चट्टान बन जाएगा जिसको हम अवसादी चट्टान बोलते हैं। तो ऐसे जो हमारे पास समुद्र के अंदर द्वीप बनते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो वॉल्केनिक ऑरिजन होगा उनका। ठीक है, ऐसे आइलैंड्स का, तो वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है रीयूनियन आइलैंड है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, वेयर इज़ द महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड। तो महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका पोर्ट ब्लेयर के अंदर। ठीक है, और जो पोर्ट ब्लेयर है आपको ध्यान ही रखना है ये अंडमान निकोबार के पार्ट में आता है। ठीक है, और जो पोर्ट ब्लेयर है वो साउथ अंडमान में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साउथ अंडमान में स्थित है ये, और ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है। तो आप देखोगे कि जो उसका ईस्टर्न पार्ट है भारत का, वहाँ पे बे ऑफ बंगाल मिलेगी आपको। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको पोर्ट ब्लेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे एक हमारे पास महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क लोकेटेड है।
नंबर 7 है, इन विच स्टेट लोकटक लेक सिचुएटेड। तो आप देखेंगे जो लोकटक लेक है वो कहाँ पे है, तो लोकटक लेक है मणिपुर के अंदर, ठीक है। और ये एक साफ पानी की सबसे बड़ी झील है नॉर्थ ईस्ट की, उत्तर पूर्व राज्यों की हमारी सबसे बड़ी एक क्या है ये साफ पानी की झील है, तो आपको ध्यान ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी। तो आपने देखा होगा कि इनमें से गंगा की जो एक सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि रामगंगा तो है, गोमती भी है, यमुना भी है, बट तीस्ता नदी जो है वो भारत वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, सहायक नदी नहीं है, इसलिए याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च। तो भारत की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट जिसका नाम था वो कब लॉन्च की गई थी, तो आपको 1975 में इसको पहली बार भारत के अंदर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री। तो भारत का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि बॉर्डर है, सीमा है, वो किसके साथ लगती है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारी जो सीमा है वो लगती है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश से कई सारे जो भारत के राज्य हैं वो सटे हुए हैं, तो आपको ध्यान ही रखना है कि बांग्लादेश की जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है भारत के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड। तो भारत की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है, कितनी लंबी है, तो आपको देखनी है इंक्लूडिंग आइलैंड। तो भारत के कुछ आइलैंड्स हैं जैसे कि अंडमान निकोबार है, और आप देखेंगे कि इसमें जितने भी आइलैंड्स हैं भारत के उन सबको मिला के उन सबकी कोस्ट लाइन कितनी है, तो आप देखेंगे वो है 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो इतनी आपको ध्यान रखनी है कि ये एक मुख्य जो भारत की सीमा है, मुख्य भूमि और आइलैंड्स को मिला के टोटल हमारी कितनी कोस्ट लाइन है वो है 7,516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्टेट विच हैज़ रिसेंटली ओवरटेकन कर्नाटक ऑन द टॉप रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर बनाने के क्षेत्र में कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए कौन सा राज्य सबसे आगे हो गया है, तो आप ध्यान देंगे इसमें तमिलनाडु सबसे आगे हो गया है, ठीक है। तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके बनाने के लिए किसी केमिकल का सहारा नहीं लिया जाता, ठीक है, ये विदाउट केमिकल होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं जो कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छे होते हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है इससे, और जो इसमें फसल होती है उसके अंदर कोई से भी हार्मफुल इम्पैक्ट जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान ही रखना है कि सबसे अच्छा जो बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में सबसे आगे हो गया है वो कौन सा स्टेट हो गया है, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जो गिरनार हिल्स हैं वो कहाँ पर हैं। तो गिरनार हिल्स आपको देखने को मिलती हैं गुजरात राज्य के अंदर, ठीक है। तो गुजरात के अंदर आपको आपको गिरनार हिल्स मिल जाएंगी, और इसी हिल्स में आपको कई सारे डिफरेंट टाइप के जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, द इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज ऑन रिवर। तो आपको इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्लांट है जिससे बिजली बनाई जाती है, तो आपको कौन सी नदी पे देखने को मिलेगा, तो वो नदी है पेरियार रिवर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पेरियार रिवर जो है, एक संत थे वहाँ के पेरियार, उनके नाम पे रखा गया है इस नदी का नाम, ठीक है। तो पेरियार एक नदी भी है और पेरियार एक संत का नाम भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जब खेतरी प्रोजेक्ट इन राजस्थान। तो ये जो खेतरी प्रोजेक्ट है राजस्थान का वो फेमस किसके प्रोडक्शन के लिए है, तो आप देखेंगे खेतरी प्रोजेक्ट रिलेटेड है हमारे पास कॉपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर को निकाला जाता है जनरली, और कॉपर का फिर यहाँ पे डिफरेंट टाइप से इसको यूज़ किया जाता है, इसको सबसे पहले हम मेल्ट करते हैं, देन इसको डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में हम यहाँ पे इसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि खेतरी प्रोजेक्ट जो है राजस्थान का वो फेमस है किसके प्रोडक्शन के लिए, कॉपर के प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस, आई होप ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू।